देखना है हमें, हमें ये देखना है कुरान सुना रहा, हदीस सुना रहा, बस बाकी कुछ नहीं देखना हमें। और ये ना कहो उसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती, नमाज उसके इसके पीछे नहीं होती, मेरे पीछे भी नहीं होती नमाज तुम्हारी, तुम पढ़ते हो हम नहीं पढ़ते, हम तो सिर्फ आपको जमात का सवाब दिला देते हैं, नमाज आप पढ़ते हो, आप अगर पढ़ेंगे मेरे पीछे सुन्नत पर अमल करेंगे, प्यारे नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके पर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल होगी, वरना मौलाना साहब जिम्मेदार नहीं नमाज कबूल करवाने की। आगे दिमाग शरीफ के अंदर तो किसी के भी पीछे नमाज, प्यारे नबी ने फरमाया बुखारी की नमाज है, सल्लू खल्फा कुल्ले फाजिरिन व फासिकिन, फाजिर और फासिक के पीछे नमाज हो जाती है इल्ला ये कि मुशरिक, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, बाकी दरमुंडे के पीछे भी नमाज हो जाती है, दरकदे के भी पीछे नमाज हो जाती है, अगर कोई गाली का गुलूज दे रहा है उसके पीछे भी नमाज हो जाती है, फासिक और फाजिर वही है, फासिक और फाजिर कुरान के अंदर दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो ईमान के बिल मुकाबिल अगर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ होता है आया समझे, और ईमान भी ईमान अगर मुकाबला हो उसका तो वहां पर नक्स होता है, थोड़ा सा खोट होता है वो, आया समय कुरान किस तरह बताओ, थोड़ा सा खोट उसके अंदर है, और हर शख्स धुला धुलाया तो नहीं है ना, बोलो धुला धुलाया क्या नहीं ना, तो फिर काय को यारो इतना फितना पैदा करो आपस के अंदर, सुनो यह तरबियत के वसूल, चंद वसूल बताया था, पहला वसूल, पहला वसूल।